आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा तत्काल बुलाएं सीडब्ल्यूसी की बैठक और चुने नया अध्यक्ष। एमपी के मंत्री बोले प्रियंका को बनाओ अध्यक्ष। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस नाले में गिरी, 30 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा हुए घायल। नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी मुसीबत, अमरिंदर सिंह कर सकते हैं मंत्रिमंडल से बाहर। छतरपुर में एसपी ऑफिस के सामने युवक ने किया आत्मदाह, चोरी के झूठे आरोप से था परेशान। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तेज बारिश, नागता में मकान गिरने से लोगों की मौत, अंबिकापुर में कार बही। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने कांग्रेस नेताओं से अपील की है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जल्द बैठक बुलाई जाए और अगले पार्टी अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। कर्ण सिंह ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर अध्यक्ष के नाम पर फैसला किया जाए। कांग्रेस की हालत खस्ता होती जा रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने एक बयान जारी कर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपील की है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जल्द बैठक बुलाई जाए और अगले पार्टी अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। उन्होंने अपील की है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए और पार्टी अध्यक्ष के नाम पर फैसला किया जाए। कर्ण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बड़ा निर्णय लिया है, उनके इस फैसले का सम्मान करने के बजाय पार्टी ने तत्काल निर्णय लेने में देरी दिखाई। राहुल गांधी के इस्तीफे पर अड़े रहने के बाद कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। राहुल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने भरपूर मशक्कत की, मगर राहुल अपने फैसले से नहीं हिल रहे। ऐसे में एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रियंका गांधी का नाम सामने लेकर आए हैं। उनका मानना है कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई भी कांग्रेस पार्टी को नहीं चला सकता। राहुल गांधी कुछ वरिष्ठ नेताओं से खासे नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी कई बार जाहिर भी की है। आपको बता दें कि लोकसभा में हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने इस्तीफा दे दिया और वे सबके मनाने के बाद भी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री ने साफ कहा है कि गांधी परिवार के अलावा कोई और कांग्रेस की बागडोर नहीं संभाल सकता। नेहरू गांधी परिवार से अलग हटकर सोचना मतलब कांग्रेस शायद नहीं बच पाएगी, इसीलिए प्रियंका गांधी को इस बार पूरी दमदारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं, तभी कांग्रेस अच्छा काम कर पाएगी। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष के लिए वर्मा ने बारा बच्चन का नाम सुझाया है। जी की जो पोस्टर लगे वो उन कार्यकर्ताओं के भावनाओं का प्रतिबिंब है, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि नेहरू गांधी परिवार से अलग हटके सोचना कांग्रेस शायद नहीं बच पाएगी। प्रियंका गांधी को दमदारी से इस बार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, निश्चित रूप से एक सूत्र में बनकर कांग्रेस फिर सर्वाइव करेगी। अध्यक्ष के लिए मैंने बाला बच्चन का नाम बढ़ाया है कि गृह मंत्री रहते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाए ताकि प्रोटोकॉल मिले। यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस झरना नाले में गिर गई। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे, इनमें से 30 यात्रियों की मौत हो गई है। यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा के एतमादपुर इलाके में यूपी रोडवेज की बस झरना नाले में जा गिरी। इस हादसे में मौके पर ही 29 यात्रियों की मौत हो गई। 24 घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जहां एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। लखनऊ से नई दिल्ली जा रही अवध डिपो की डबल डेकर बस से हादसा हुआ है। घटना के बाद मौके पर
हड़कंप मच गया। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए इस भीषण हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घायलों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं जब इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस द्वारा बचाव कार्य शुरू किया गया। इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और घायलों को सभी जरूरी इलाज मुहैया कराने के कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं। इस हादसे के बाद यूपी रोडवेज ने घटना में मारे गए यात्रियों के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। यह घटना तड़के 4:30 बजे की है। पंजाब में बिजली संकट के बीच बिजली मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपने दफ्तर से गायब हैं। बिजली विभाग मिले सिद्धू को 1 महीना हो गया, लेकिन विभाग को उनके दर्शन अब तक नहीं हुए। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू से परेशान हैं और जल्द उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने का फैसला ले सकते हैं। बिजली संकट से पंजाब में हाल खराब है। राज्य के कई गांवों में 10 से 12 घंटे तक बिजली कट रही है। बिजली की कटौती से सब परेशान हैं, लेकिन पंजाब के बिजली मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दफ्तर से गायब हैं। उनको बिजली विभाग मिले 1 महीना हो गया है, लेकिन मंत्री सिद्धू ने अपना काम नहीं संभाला है। सरकार ने उनके कार्यालय के बाहर उनके नाम की तख्ती टांग दी है, लेकिन मंत्री जी गायब हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्हें अपना कार्यभार संभालना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनीत जोशी ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो बोलते हैं वह करते नहीं और जो दिखाते हैं वह है नहीं। सिद्धू सत्ता के लालची हैं, कुर्सी के लालची हैं, पद के लालची हैं। सिद्धू को अच्छी पोस्ट और अच्छे पैसे वाला मंत्रालय चाहिए, इसीलिए सत्ता के लालची नवजोत सिंह सिद्धू कभी भी बिजली मंत्रालय स्वीकार नहीं करेंगे। इधर खबर है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सिद्धू से नाराज हैं और सिद्धू काम पर नहीं आते तो मुख्यमंत्री उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भारत में ही बनाई गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाक का सफल परीक्षण किया गया। नाक की मारक क्षमता लगभग 4 किलोमीटर तक है। पोखरण के फायरिंग रेंज में नाक भारतीय मिसाइल का 3 बार सफल परीक्षण किया गया। दिन के साथ ही रात में भी इस परीक्षण को अंजाम दिया गया। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद देश के डिफेंस सिस्टम में और मजबूती आएगी। नाक तीसरी पीढ़ी का भारत का स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये उन 5 मिसाइल प्रणालियों में से एक है जो DRDO द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत तैयार की गई है। इस मिसाइल को तैयार करने में लगभग 300 करोड़ की लागत आई है। वहीं इसकी मारक क्षमता लगभग 4 किलोमीटर तक है। छतरपुर में चोरी के आरोप से तंग आकर एक युवक ने SP ऑफिस के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक का कहना है उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया जिससे वह परेशान है। छतरपुर में चोरी के आरोप से प्रताड़ित एक युवक कन्हैया अग्रवाल ने SP ऑफिस के सामने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। यह युवक तकरीबन 80% जल गया। पुलिस वालों ने जैसे तैसे कंबल डालकर इसके शरीर से आग को बुझाया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की हालत गंभीर है। युवक का आरोप है कि अमन दुबे नाम का युवक उस पर मोटरसाइकिल चोरी का आरोप लगा रहा था, जिसकी शिकायत उसने कोतवाली में की थी, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। युवक के आत्मदाह की कोशिश करने के बाद आला अधिकारियों की नींद खुली और जिला अस्पताल पहुंचकर उसका बयान लिया। वे हमें चोरी को नाम लगा रहे हैं। अमन महाराज बच जाना था। एसपी साहब की वापस की काय की वजह से ये सब कर रहे हैं? वे हमें भाई छोटे भैया को मारो और कह रहे थे सबरे घर वाले को उठा ले, हमारे घर वाले सबरे भगत कर रहे। शनिवार को हमने आवेदन दो तू पता ही नहीं कहा बाबू आज का ही लाने आए थे आप लेके। हम आत्महत्या कर ले, हमारे घरवाई को कौन बरियान नहीं दे रही फिर? अब कौन हमारे तो ताले लगो, हमारे घरवाई सब रही भगत कर रहे पैसन वाई और भी रख तुम्हारे पैसे वाली SP ऑफिस के सामने। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार तबादलों में व्यस्त है और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार की कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार तबादलों में व्यस्त है और प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन कर्मचारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रदेश में फैल रही अराजकता का एक कारण तबादला होना भी है। अधिकारी काम करे उससे पहले ही ट्रांसफर हो जाता है। सीता शरण शर्मा ने पेरोल में जेल से बाहर आए कैदी का जिक्र करते हुए कहा कि कैदी बाहर आकर अपराध कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्किज्म प्रदेश में हो रहा है। हमारे अपने जिले की बात करें तो 6 महीने में 2 IG बदल गए, 6 महीने में 2 जिला पंचायत के CE बदल गए, 6 महीने में 2 कलेक्टर बदल गए, तो कैसे प्रशासन चलेगा? अधिकारी आकर के समझता है और उसके बाद में वो उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए सारे प्रदेश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्किज्म, एक प्रशासन की अराजकता फैली हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण ये स्थानांतरण है। कांग्रेसियों ने रीवा में कांग्रेस कार्यालय बनाने के लिए सरकार से प्लाट उपलब्ध कराने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी भवन का निर्माण जन भागीदारी से किया जाएगा। भवन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। रीवा में कांग्रेस भवन बनाने की कवायद तेज हो गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने बताया कि आजादी के 72 वर्षों के बाद भी कांग्रेस का कार्य करने के लिए जिले में कार्यालय नहीं बना। कार्यालय के अभाव में जनहितकारी कार्य योजनाओं का लोक प्रचार नहीं हो पा रहा है, जबकि प्रचार ही लोकतंत्र में प्रभावी संसाधन है। यहाँ पे आजादी के बाद से कितने दिनों तक कांग्रेस भवन का न होना, बाकी हर जगह होना, रीवा सीता सिंधी सपना आते रहे अच्छे भवन, तो हम लोगों ने अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने ये तय किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से मिलकर यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल गया, वहां मिलकर आया और कांग्रेस भवन के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरा डिटेल जो है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी बताएंगे। पंडित संजय त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर हम थोड़ा सा समाज के सामने आगे आते और अगर 50% धनराशि हम देंगे तो ये इसके बाद संगठन युग की धनराशि मिला देगा तो कांग्रेस का भव्य भवन बन के तैयार हो जाए। तकरीबन 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 करोड़ की धनराशि संगठन की ओर से कंट्रीब्यूट की जाएगी और 5 करोड़ की धनराशि हमारा संगठन देगा। और ये अब तक की हम समझ रहे हैं विंध्य प्रदेश के गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी पहल होगी जो आदरणीय संजय त्रिपाठी जी का करने जा रहे हैं। और बड़े नेताओं ने आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से बहुत अनुकरणीय बात है और एक नए तथ्य, एक नया प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट आप लोग लेकर के आए और उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। इन नेताओं ने सांसद राजमणि पटेल एवं बृजेश पांडे से चर्चा उपरांत आग्रह किया है कि जिला मुख्यालय में कांग्रेस भवन हेतु भूमि आवंटित की जाए एवं 2020 के पहले भव्य कांग्रेस भवन को विंध्या कांग्रेस भवन के नाम से निर्माण कराया जाए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अंबिकापुर में भारी बारिश से पुल की रेलिंग टूटने से एक कार पानी में बह गई। कार सवार लोगों को जैसे तैसे बचाया गया। ये कार कोई बच्चों के खिलौने की कार नहीं है, ये असली कार है।
लेकिन तेज बारिश और पानी के बहाव में ये कार बहने लगी। अंबिकापुर के कन्या परिषद मार्ग में शिव मंदिर के पास पानी के तेज बहाव से नाले की साइड रेलिंग टूट गई, जिससे नाले का पानी सड़क पर बहने लगा। ऐसे में पुल पार कर रही कार बह गई। कार में सवार व्यक्ति एवं बच्चे को किसी तरह कार से बाहर निकाला गया, लेकिन कार बहकर पानी में डूब गई। बारिश के चलते नागदा में एक पुराना और जर्जर मकान गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूर मकान में काम कर रहे थे। इस हादसे में चार लोग जख्मी हुए हैं। नागदा के जवाहर मार्ग स्थित एक जर्जर मकान सोमवार दोपहर अचानक गिर गया। इसमें दबने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मलबे में दबे मजदूरों की बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। घटना के बाद हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि मजदूर उस पुराने मकान के अंदर कुछ काम कर रहे थे। घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दे दी गई और चार घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया। यह मकान जर्जर अवस्था में था और बारिश के कारण इस घर में पानी बैठ गया था, जिस वजह से इसका हिस्सा मजदूरों पर गिर पड़ा। चोरों से मोबाइल वापस मांगने आए एक ट्रक चालक की चाकू मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों से अपना मोबाइल वापस मांगना एक ट्रक चालक को इतना महंगा पड़ गया कि ट्रक चालक को इसकी कीमत अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। मामला रीवा के सिविल लाइन थाना का है, जहां तीनों आरोपियों निखिल चौधरी, विमल पासी, विकास सिंह ने ट्रक चालक से सबसे पहले मोबाइल की मांग की। चालक के मना करने पर आरोपियों ने मोबाइल छीन लिया। ट्रक चालक आरोपियों के पीछे पीछे अपना मोबाइल लेने गया तो इन बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को कुछ दूर ले जाकर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में ट्रक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच की और कुछ ही घंटों में हत्यारों को पकड़ लिया। जिस मोटरसाइकिल से लोग भाग रहे थे तो मृतक जो है तो पीछा किया, मृतक ने पीछा करके उसको पकड़ा था अपने मोबाइल वापस लेने के लिए, इसलिए वो डेड बॉडी सुरक्षित थी। अभी ये सारा कुछ पता साझी की गई है और उनकी रिकॉर्ड के बारे में अलग से जांच की जाएगी। पहले तो ये कार्रवाई जो थी उसमें व्यस्त थी। बाइक बरामद हो गई, जो मोबाइल ये लूट के भगे थे मृतक से वो मोबाइल बरामद हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर दिए बयान के बाद बस्तर में मंत्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। पुनिया की फटकार का गुस्सा मंत्री अपनी विभागीय बैठकों में अफसरों पर उतार रहे हैं। इसी कड़ी में अब बस्तर के प्रभारी मंत्री प्रेम साय भी जगदलपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों पर कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया की बात का असर नजर आ रहा है। अब मंत्री बस्तर तक पहुंच के नाइट स्टे करने के साथ लोगों से भी मिल रहे हैं। पुनिया ने साफ कहा था कि जो मंत्री काम नहीं करेंगे उसे हटा दिया जाएगा। मंत्री जय सिंह अग्रवाल कवासी लखमा के बाद आज बस्तर प्रभारी मंत्री प्रेम साय भी जगदलपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने कांग्रेस की बैठक में साफ साफ कहा था कि कोई भी मंत्री अपनी कुर्सी को स्थायी न समझे, हर 6 माह में उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। पुनिया की इस बात के बाद तो जैसे मंत्रियों को सांप ही सूंघ गया हो। सभी मंत्री भागम भाग में लगे हुए हैं। पुनिया की फटकार का गुस्सा मंत्री अपनी विभागीय बैठकों में अफसरों पर उतार रहे हैं। बस्तर आकर सभी मंत्री काम हो या ना हो बाकायदा रात को रुक भी जाते हैं। इन्हें बतलाया गया है कि अपने अपने प्रभार वाले जिले में रुकें एवं कार्यकर्ताओं को भी पर्याप्त समय दें। सांप के काटने के बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ऑक्सीजन न मिल पाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने मरीज की मौत के लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। नई गढ़ी में सर्पदंश के बाद एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऋषि मिश्रा को सांप के काटने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते मरीज की मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब उसकी ज्यादा हालत बिगड़ने लगी तो मृतक ने खुद डॉक्टर को ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा। सिलेंडर में ऑक्सीजन न होने की वजह से डॉक्टर द्वारा इस व्यवस्था में पर्दा डालने के लिए खाली ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया। मैं मरीज को देखने के लिए गया हुआ था 6 बजे के टाइम में। कहाँ पे? नई गढ़ी हॉस्पिटल में, और मरीज वहाँ तड़प रहा था, कोई देखने वाला व्यक्ति नहीं था। मैं डॉक्टर के पास स्वयं गया हूँ। डॉक्टर के पास जब मैं देखा, मिलने के लिए गया तो
वहाँ पर मरीज खुद बोला कि हमको जो है ना तो लगता है मैं मर जाऊंगा। तो जब ऑक्सीजन के लिए गया वहाँ पर तो बोले नहीं नहीं ऐसा है फलाना ढिकाना उन्होंने किया टीम का। बाद में जब ज्यादा उनको थोड़ा तेज आवाज से बात किया तब एक ऑक्सीजन का बाटली ले गया और वो भी ऑक्सीजन उसमें खत्म। बोले मरीज के क्या है यहाँ पर जाम हो गया है, यहाँ गले में जाम हो गया है, उसको ओ दो क्या बोलते हैं भाप देना पड़ेगा। मरीज को 20 मिनट तक भाप दिया गया है और इसके बाद में उन्हें बोला भैया हो गया इसको रिफर कर देते हैं रीवा लेके जाओ। चौथा है चौथा बिस्तर पे सांप लेटा हुआ था जी, मतलब इस बार तो ये बोले कि मेरे पास घर बोले कि चाचा ऐसा लग रहा है मुझे कि सांप वहाँ मरा पड़ा है तो काटा नहीं है मुझे, बोले नहीं काटा नहीं है। फिर बोलते हैं कि यहाँ खराश टाइप लग रही है अच्छा हिस्ट्री हो रही है जी हिस्ट्री हो रही है। बोले इसके बाद बोले कि अभी क्या करें तो ठीक बोलो बोलो तो हॉस्पिटल ले चलते हैं। बोले नहीं बताता हम जैसा नहीं तो बताता हूँ हम बैठे थे वहीं पर हमारे गाँव में दोनों बोला ये भी नहीं बोले कि मतलब सांप वगैरह काटा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले बोले कि क्योंकि मैं सांस ले रही है कोई परिजनों ने बताया कि मरीज को सांस लेने में परेशानी थी लेकिन बिना ऑक्सीजन के मास्क लगा दिया गया जिस कारण सांस रुक गई और मरीज की मौत हो गई। इसके लिए अस्पताल की व्यवस्था जिम्मेदार है। सावन में भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आई है। महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अब ऑनलाइन टिकट बुक कर तय समय पर बिना कतार में लगे दर्शन कर सकेंगे। टिकट पर उनके दर्शन का समय और गेट नंबर दर्ज मिलेगा। वे उस समय पर दिए गए गेट नंबर से प्रवेश कर सीधे दर्शन के लिए आगे जाएंगे। यह सुविधा सावन के बाद शुरू हो जाएगी। महाकाल दर्शन के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी के विशेषज्ञ दर्शनार्थियों की संख्या का सर्वे कर रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के साथ कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए अलग काउंटर और गेट होगा। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति प्रशासक अवधेश शर्मा के अनुसार सर्वे हो जाने से श्रद्धालुओं का डेटा आ पाएगा, इससे समय तय करने में सुविधा होगी। दर्शनार्थी 15 दिन पहले ऑनलाइन ₹250 में सशुल्क दर्शन टिकट बुक करा पाएंगे। उनका टिकट जनरेट होगा जिस पर QR कोड भी रहेगा। इस पर दर्शन का समय व गेट नंबर भी अंकित होगा। श्रद्धालु उसका प्रिंट और ID लेकर आएंगे, इसे गेट पर दिखाएंगे तो कर्मचारी QR कोड स्कैन कर प्रवेश देगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली जो आपको अपने ही अंदाज में सुनाएंगे भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, आजकल तो ऐसे बल्ले बल्ले हो रही है राजनीति में, खूब डंडे बल्ले खूब चल रहे हैं, अधिकारियों को पिटाई हो रही है। मैं तो अधिकारियों से बोल रहा हूँ भैया हेलमेट वगैरह पहन के जाओ, ये कोई भरोसा नहीं कोई बल्ला लेके आ जाए। हाँ, ये आकाश विजयवर्गीय हैं, कैलाश विजयवर्गीय की बेटी हैं, इंदौर से विधायक है, इन्होंने बल्ला लेके अधिकारी की पिटाई कर दी। वो बताया वो जेल भी चले गए उस चक्कर में, और जेल से छूट के आया तो उनका ये सब स्वागत हुआ जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़के आ रहे हैं, बता रहा हूँ। ये तो आजकल चल रहा है, ये निवेदन धनादन निवेदन जब क्या कौन से संस्कार आ गए हैं पार्टियों में, ये तो चल रहा है। और मोदी जी ने भैया खुल के बोल दिया है, बोले ऐसे किसी का भी बेटा बेटा हो बेटी उनको भगाओ ऐसे लोगों को पार्टी में, भैया ये पार्टी की इज्जत खराब कर, ये तो चल रहा है। और वर्ल्ड कप में देखो इंडिया जो इंग्लैंड का मैच हुआ था उसमें इंडिया हार गई, और पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी लोग संस्कार वाले हैं बता रहे हो, ऐसा दुख हुआ उनको भाई के हारने का, ऐसे वलल वलल करके आंसू बहा रहे थे, पुराने खिलाड़ी भैया थे वलल वलल करके रो रहे थे। हाँ, वो अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में मेरे को समझ में आई कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रही है। हाँ, असली बात बाद में समझ में आई मेरे को। और फिर ये एक बात बता रही हूँ, अभी जो इनका मैच होना है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश बहुत तगड़ी टीम है, इंडिया को भी पसीने आ दी, तो इनका तो बाहर निकलना चाहिए है। हाँ, ये खबर ये सुन लो, बैंकों में रिकवरी के लिए जो बाउंसर भेजते थे अब नहीं भेज सकते, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। और मैं बता रहा हूँ बाउंसर लोग के बेरोजगार हो जाएंगे, वो गला पकड़ेंगे उनका। मैनेजर कहा के बोले हमें सैलरी वसूलना भी आता है। हाँ, ये तो उठा उठा के भटकेंगे ये तो है। वो यह खबर ही मजेदार खबर ये देखो, कामानी एक्सप्रेस में सांप निकल गया। अरे भैया सांप निकला वो भी है ट्रेवल करके अपने रिश्तेदारों वगैरह से मिलने जा रहा हो, आजकल ये बारिश का मौसम है। और एक उनको पकड़ने के लिए अखिल बाबा को बुलवाया, वो उनको पकड़ के ले गए। TC आया था, टिकट विकेट पूछ रहा था, उस
टीकी पे फुफकार पड़ा, वो टीकी भाग गया छोड़ के। हाँ और ये खबर ये देखो, ग्वालियर में 18 घंटे बिजली नहीं रही। और बताओ वो लोग है ना, फिर वहाँ बिजली घर पहुँचे, उनका वहाँ मिल जाएगी, वहाँ ताला लगा हुआ था, ये तो सब चल दिया है। वो आजकल तो भैया ऐसे छापे आपे पड़ रहे हैं, छापे में किसी का 1 किलो सोना, ये 10 लाख नोट निकल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, इतनी मेहनत से कमाती हो, भ्रष्टाचार करती हो, उसको अच्छे गार्ड बूढ़ के रखो, उसका कोट बोर्ड जैसे पुराने ज़माने में किलो विलो में रहते थे ना, जैसे बना बनू के रखो, ये तो छापे वालों को भी पता नहीं लगे। और जो पैसा जरा ज़्यादा पड़ा हुआ है उसको गरीबों में बढ़वा दो, मैं कह रहा हूँ फिर आ जाओ, फिर कमा लो, उसमें क्या है। और ये खबर ये देख लो, ये कैनेडा, ये कार्टूनिस्ट है माइकल डी एडर, उन्होंने ये कार्टून बना दिया ट्रंप के ऊपर, वो मैक्सिको बॉर्डर पर जो जो फोटो छपाता ना पिता बेटी का जो मर गए बेचारे बॉर्डर क्रॉस करते हुए, रिफ्यूजी वगैरह थे, तो इन्होंने ये वो बनाया और उसके बगल में वो दिखा दिया ट्रंप को, तो अपनी गोल्फ कार्ट लिए खड़े हुए हैं और वहाँ गोल्फ खेलना चाहते हैं। ये कार्टूनिस्ट जो होता है वो संवेदना संवेदनशील होता है, संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है। अब उसकी नौकरी और चली गई, बता नहीं हूँ हिंदुस्तान में तो नौकरी क्या होता है, हिंदुस्तान में तो जेल में भेज देते हैं सीधे। ये ऐसे असंवेदनशील राजनेता हुआ है, बता रही हूँ। कार्टून ये हंसने हंसाने की चीज़ होती है, वो गंभीर बात हंसा के कहता है कार्टूनिस्ट, उसको सम्मान करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है। और ये खबर ये देख लो, अम्बाती रायडू जो है क्रिकेटर, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, इनका वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अरे मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना कॉम्पिटिशन है, एक से एक क्रिकेटर है अपने, फिर से चांस मिलता है, संन्यास लेने की क्या जरूरत है, अभी तो आपका शुरुआत हुई है, और भी चांस मिलेंगे, ये से रोटना मनाना नहीं होना चाहिए। ओ भैया मुंबई में तो यदि बारिश हुई है भलर भलर करके पूरा मुंबई लबालब हो गया है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हर आदमी आजकल घरों के सामने वो सीमेंटेड वगैरह करा देता है, पानी जाने की जगह ही नहीं रहती, पानी जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ बेचारा, नहीं और भरेगा वो तो। और मैं कह रहा हूँ अलर्ट हो जाओ, अपने शहरों में ऐसा मत करो, वरना है ना आपके शहर में भी ऐसे भलल भलल हो जाएगा, और बोटों तो जाना पड़ेगा ऑफिस। हाँ मैं भैया मैं भी जा रहा हूँ अपने शहर में, देखूँ बारिश बारिश होने वाली है, नावा खरीद लूँ। नमस्कार। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University has most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।